ग्राम पंचायत खैरा के गवर्नमेंट हाई स्कूल और देवरा गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ रिलायंस फाउंडेशन संस्था के द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों को जानकारी देने से शुरू हुआ, जिसमें बच्चों को आज़ादी का संघर्ष और उसके बाद के बदलते भारत की तस्वीर दिखाई गई। बच्चों को आत्मनिर्भरता के विषय में भी फाउंडेशन के पदाधिकारी शेष नारायण और पुष्पेंद्र के माध्यम से दी गई। इसके बाद बच्चों को आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में भी जानकारी दी गई और बच्चों को रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों को बताया गया। सभी बच्चों ने उत्सुकता पूर्वक जानकारी लेने के बाद ड्राइंग प्रतियोगिता के लिए जरूरी सामग्री दी गई और पंजीयन किया गया, जिसमें मुख्य क्राइटेरिया 6 से 15 साल का होना अनिवार्य था। बच्चों ने सफलतापूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया और अपना ड्राइंग शीट समर्पित किया। पैनल में स्कूल के हेडमास्टर सहित दो अन्य शिक्षक भी थे, जिन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय और तृतीय आए बच्चों को पुरस्कृत किया, जिसमें क्रमशः प्रथम पुरस्कार रिया सिंह तथा द्वितीय पुरस्कार खुशी साहू तथा तृतीय पुरस्कार अमित रावत को मिला। पुरस्कार वितरण के लिए बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला और अमर सिंह कुशवाहा को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज कर बच्चों को पुरस्कृत किया। बच्चों से आज़ादी से जुड़ी बहुत से विषयों पर चर्चा की गई, उनको जागरूक किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह दिखाई दिया। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन संस्था जिले में किसानों को, पशुपालकों को त्वरित और सटीक जानकारी देने का काम कर रही है, जिसमें संस्था द्वारा संचालित 1800-419-8800 नंबर से संपर्क करना होता है। इसके अतिरिक्त संस्था अनेक अन्य डिजिटल तरीकों से ग्रामीण जन के विकास में सहयोगी बन रही है। यहाँ से पेड़ भर जाता है, है किसके थ्रू थ्रू पानी आ रहा है के क्या? फिर यहाँ पर हम नल लगाया, नल से रोज जा सके यहाँ पर, और यहाँ पर हम अपने खड़ा होने जब ये नल चला रहे हैं, यहाँ पर मटका में पानी भर देंगे और पानी भी आ जाएगा। क्या बात है।